सोनीपत के गोहाना में खाद आपूर्ति विभाग की कार्रवाई। अलग अलग जगह से एफएसओ सतीश कुमार ने 41 घरेलू सिलेंडर बरामद किए। सतीश कुमार ने कहा कि कमर्शियल सिलेंडर की जगह घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। यह सिलेंडर भारत पेट्रोलियम और एचपी के हैं। नहीं, गोदाम से नहीं सिलेंडर, 41 सिलेंडर पकड़े पूरे गोहाना शहर में। अलग अलग जो मिठाई की दुकानें हैं या कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, जहाँ भी इस तरह के जहाँ कमर्शियल सिलेंडर यूज़ होने चाहिए थे, वहाँ घरेलू सिलेंडरों का प्रयोग पाया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके सिलेंडर जब्त कर लिए गए। सर, 41 सिलेंडर है, कौन कौन सी कंपनियों के, कुछ बता पाएंगे? हाँ, अभी इस चीज़ की काउंटिंग जारी है। तीनों कंपनियों के हैं, भारत पेट्रोलियम के भी हैं इसमें कुछ, और IOC के भी हैं, HPC के भी हैं। तीनों कंपनियों के हैं, लेकिन अलग अलग दुकानों से कमर्शियल की जगह पर घरेलू का प्रयोग जहाँ हो रहा था उस चीज़ के ऊपर कार्रवाई की गई। आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी, ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, इसके कारण लोगों को किसी तरह की शॉर्टेज महसूस ना हो और ये गलत प्रयोग किया जा रहा है। मैं आगे के लिए लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि अपने कमर्शियल सिलेंडर लें और उसी का प्रयोग करें जो कि सेफ भी है और कानूनन वैध भी है, तो उसका प्रयोग करना सभी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक। FSO सतीश कुमार ने बताया कि गोहाना में अलग अलग जगह से ये 41 सिलेंडर बरामद किए हैं। ये सभी सिलेंडर मिठाई की दुकानों व अन्य स्थानों पर उपयोग किए जा रहे थे। वहां पर कमर्शियल सिलेंडर प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। भारत 9 के लिए सोनीपत से पवन राठी की रिपोर्ट।